सुल्तानपुर में रविवार देर शाम बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती दे डाली। बोलेरो सवार बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारी और कैश और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल व्यापारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार घटना जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र की है। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के मुंगर कंतहिया निवासी मोहम्मद शम्स, जिनकी उम्र 36 साल की है, वो बरौसा में कॉस्मेटिक की दुकान बंद करके बाइक से घर जा रहे थे। अभी वो बरौसा बिरसिंहपुर मार्ग पर जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के 88 चौराहे के पास पहुंचे ही थे कि बोलेरो सवार बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी और उनका मोबाइल और पैसे लूटे और फरार हो गए। गोली की आवाज़ सुनकर जब तक स्थानीय लोग पहुंचते, बदमाश भाग निकले थे। वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जयसिंहपुर पहुंचाया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस का कहना है कि अभी तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलते ही कार्रवाई की जाएगी, जाँच की जा रही है। जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के 88 चौराहे पर एक व्यवसायी को सरेशाम गोली मार दी गई। गोली मारने के बाद से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना की सूचना राहगीरों ने स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यवसायी को CSC जयसिंहपुर में भर्ती कराया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद सुल्तानपुर रेफर कर दिया गया है। बताते चलें कि जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र में इन दिनों अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आए दिन चोरी, रजनी और लूट की वारदातें थमने का नाम नहीं हो रही हैं। इसी क्रम में आज बरौसा में कॉस्मेटिक की दुकान संचालित करने वाला एक व्यवसायी अपनी दुकान को बंद करके अपने घर मुंगर तुरकहिया लौट रहा था। 88 चौराहे के पास, जो जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र में पड़ता है, 88 चौराहे के पास सुकुल बिजौली गांव के पास बोलेरो सवार बदमाशों ने व्यवसायी को गोली मार दी। पहले व्यवसायी के बाइक में ठोकर मारकर बोलेरो सवार लोगों ने उसे नीचे गिरा दिया। उसके बाद बोलेरो से उतर करके व्यवसायी के पास रखी नकदी और मोबाइल लूटकर बदमाश फरार हो गए। स्थानीय अस्पताल के जो चिकित्सक हैं बताते हैं कि बदमाशों ने व्यवसायी के बाएं पैर में गोली मारी है, उसे प्राथमिक उपचार के बाद रेफर सुल्तानपुर किया गया है। आपको बता दें, ये घटना ऐसे वक्त हुई जब जिले में खुद गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हो रहा है और पूरा पुलिस प्रशासन व्यवस्था चाक चौबंद करने में मसरूफ है। सुल्तानपुर से नाउ 44 के लिए रोहित पाठक के साथ सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज